नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अनुराग ठाकुर मतलब BJP ने कहा है कि जो फेक न्यूज है वो सबसे बड़ा वायरस है। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? BJP बोल रही है फेक न्यूज, पता नहीं, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब BJP ने ये बात कहा है कि फेक न्यूज जो आती है वो सबसे बड़ा वायरस है इस मुल्क के लिए। पूछते हैं कि भाई कौन फेक न्यूज चलाता है, यही पूछते हैं। BJP की तरफ से कहा जा रहा है कि फेक न्यूज जो है सबसे बड़ा वायरस है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं लग रहा आपको? आप पहली बार सुन रहे हैं क्या, लगता है? हाँ, कुछ ऐसा कुछ कुछ ऐसा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, वही ना, वही बात है। हाँ, चोर चिल्ला करके बोले मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं, और लोग देख रहे कि चोरी इसी ने किया है। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? बहुत अजीब लग रहा है। बहुत अजीब जी। तो एक बात बताइए कि आज स्थिति क्या है? आज रोजगार पर बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। आज डेवलपमेंट पे बोलिए, उस पर भी नहीं बोलेंगे। आज महंगाई पर बोलिए, उस पर भी ये नहीं बोलेंगे। सिर्फ फेक फेक करके सरकार बन गई। स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा घोटाला देश में, कितना बड़ा, बहुत बड़ा घोटाला स्पेक्ट्रम। इससे बड़ा घोटाला तो हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है। लास्ट में क्या हुआ, ए राजा कनी मुनी क्या हुआ, भाईजत बरी हुए, सरकार इनकी बन गई। तो बनाया किसने? जनता से खुद ही पूछेंगे, भाई सिलेंडर का दाम बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ? तो जनता बोलेगी बढ़ाओ, रेल बेचू कि नहीं बेचू, सब कुछ तो आप ही बोलते हो और सब कुछ जनता से भी कहलवा देते हो। आपको नहीं लगता है कि ये कितना फेक न्यूज़ चल रहा है? ये सब चीज़ 15 लाख भेज दिया जाएगा आज तक कहीं की नहीं। उसने तो उन्होंने कहा कि वो तो बोल रहे थे, जुमला था। अरे वो तो जुमला बोल के सरकार बन गई ना भाई, लोगों को तो 15 लाख से मतलब था ना। अब क्या है, हमारे भी जो पिछड़े के जो नेता हैं वो कौड़ी में बिकते हैं। कितने में? गलती उनकी नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं, गलती उनकी है, हमारे लोगों की गलती है जो कौड़ियों में बिकते हैं। और कौड़ी मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ में बिकते हैं और उनके साथ में रहते हैं। और रिलाता कौन है? हमारी जनता, हमारे लोग और समाज के लोग। अगर इसको गंभीरता से लिया जाए तो आप सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? ये जो फेक न्यूज किस पार्टी की तरफ से ज़्यादा, एकदम साफ साफ बताइए। अरे अभी आप जुमला ये वो माननीय अमित गृहमंत्री जी, BJP कहते हैं, BJP जनता को आगाह कर रही है और खुद फेक न्यूज चलाती है। मैंने आपके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ये इसका रीज़न क्या है ना, हमारे सामाजिक जो नेता हैं ये सारे के सारे भ्रष्ट बिके हुए हैं। इनको सिर्फ अपना भला चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। ऐसा कोई तेज तर्राक नहीं है ये सामाजिक नेताओं में कि जो इस बात का खुलासा करे, उनको जवाब दे। पहले थी मायावती बहन जी थी, हम उनकी बहुत इज्जत करते, लेकिन आज वो भी दबी हुई हैं। हाँ, क्यों दबी हुई, क्या क्या हो गया? पता नहीं उन्होंने क्या खाया है कि जो दब रही हैं। वो आप जानिए, आप तो मैं फेक न्यूज कर रहे हैं हम, आप क्या न्यूज है, क्या है पर्दे के पीछे की बात, वो आप देखिए। देखा आपने, जनता सब जानती है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये फेक न्यूज का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेक न्यूज के बारे में आपको बता दें, फेक न्यूज का मतलब होता है कि झूठी खबरें, बहुत बढ़ चढ़ के अपनी तारीफ, ये। और ये BJP बोल रही है कि ऐसे खबरों से दूर रहना चाहिए, ये बात है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या बोलेंगे, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो फेक न्यूज है, झूठी खबरें हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। तो BJP कह रही है ये बात, क्या लगता है? देखिए, जो उनका स्टेटमेंट है बच के रहना चाहिए, तो मैं उसमें पूरा मानता हूँ कि बच के रहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर उसमें खुद लिप्त हो या आपकी पार्टी लिप्त हो तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। ये डेफिनेटली इस बात पे तो पूरी दुनिया एग्री करेगी, फेक न्यूज नहीं माननी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक तरफ कहते हैं दूसरी तरफ करते भी हों? सही बात है, क्योंकि एक बार का याद है हमें, जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण भगवान अर्जुन का इनका युधिष्ठिर का संदेश लेके गए थे और दुर्योधन से पूछे थे कि आप क्या नीति नहीं जानते हैं? तो उन्होंने एक चीज़ बोला था, मैं नीति जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ। अब ऐसा तो नहीं, तो उन्हें पता नहीं था, सब कुछ पता था। लेकिन कहीं अगर अपने जो खुद के फायदे होते हैं
तो उनमें हम सब कुछ भूल करके सोचते सिर्फ हमारा फायदा हो तो वो गलत है। डेफिनेटली फेक न्यूज़ कभी नहीं मानना चाहिए, लेकिन फैलाना भी नहीं चाहिए अभी रहे और बेटर। ये देखिए तो फैलाता कौन है कुछ, मतलब अब देखने के लिए तो जो कहते हैं सबकी आईटी सेल जितनी भी पार्टियाँ बहुत स्ट्रांग हैं, और अगर इनकी अनुराग ठाकुर की बात करूँ तो बीजेपी को जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में हो या कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ें आ जाती हैं कि वो भी उसमें लगता है कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और जो कई बार लोग मानते भी कि इन्हों के द्वारा फैलाया गया, कई बार उन्हें भी अपने अकाउंट ट्विटर से डिलीट करने पड़ते हैं जो मैसेज होते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहता होगा। ये जनता सब जानती है, आम इंसान है, मैं आके बात कर रहा हूँ, ये सब पकड़ लेते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं खुद ही लिप्त हैं। हाँ, जो देखा जाता तो उसमें तो लगता ही है। हमारे संग युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बोलेंगे, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फेक न्यूज़ से ज़रा बचना चाहिए, ये मुल्क के लिए एक वायरस है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल सही कहा है। अब रही बात फेक न्यूज़ की, तो फेक न्यूज़ क्या है, सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है जब तक हम तथ्य को नहीं जान रहे, जब तक हम ट्रुथ को नहीं जान रहे, वो फेक ही है, ठीक है, है ना। और रही बात आप स्पेशली अगर अनुराग ठाकुर को बोल रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर तो भाई एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। अच्छा, कई लोगों ने कहा है, खुद अनुभव भी हुआ है, कि फेक न्यूज में ये दल जो है, जो अनुराग ठाकुर वाली पार्टी है, वो नंबर वन पे दिखती है। कई बार ऐसा दिखता है कि वो ट्वीट करते हैं, फिर उसको डिलीट करते हैं, फिर कई तो खुद उसी दल के हो करके इस तरह की बातें। देखिए, स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो मैं कोई वो तो नहीं हूँ, सर्वेयर तो नहीं हूँ, है ना, बट हाँ कह सकते हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा में आगे है, आगे है। बिल्कुल मानते हैं इस बात, बिल्कुल मानते हैं। ये अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फेक न्यूज़ से, झूठी खबरों से दूर रहा जाए, रहिए आप लोग, क्या बोलेंगे वो कह रहे हैं। फेक न्यूज़ की वजह बीजेपी खुद ही फेक न्यूज़ का काम करती है, जब सारी चीज़ें झूठी अखबारों को दी जाएंगी, मीडिया वालों को दबाया जाएगा कि आप गलत छापेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाए। ये सब जानते हैं, बहुत सारी, जैसे वो मुलायम सिंह जी के समय लीजिए, जब राम जन्मभूमि प्रकरण हुआ था तो अमृत प्रभात पेपर चलता था, उसने थोड़ी सी न्यूज़ निकाल ली थी अमृत प्रभात का, सत्यानाश हो गया, बेचारे समेट दिया गया। तो मीडिया भी मजबूर है सरकार के आगे, क्या कर सकती है। अब मीडिया का चैनल चलाना है, उनको स्टाफ है, एड लेना है, तो मजबूरी रहती है। लेकिन इस पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, यदि मीडिया का सारा समूह एक साथ होकर काम करे तो इससे निपट सकते, क्योंकि करना पड़ेगा, ऐसे तो आप दबते रहेंगे। तो जनता के सामने सच्चाई लानी चाहिए, मीडिया को थोड़ा आगे बढ़े तभी जनता बढ़ेगी। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, हर आदमी भाई बोलने से सरकार से कतराता है, बोले भाई मुकदमा कायम हो जाए, जेल भेज दिया जाए, तो तानाशाही पुलिस को खुली छूट दे दी गई है, जिसको उठा के बंद कर दीजिए, थोड़े केस में जांच है ही नहीं, जांच बाद में न्यायालय में, न्यायालय तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए, तो जिला न्यायालय और स्टेट हाई कोर्टों में तो क्या बताया जो, उसको कहने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो हमें लग रहा है इसमें सबसे बेहतर निष्पक्ष है, निष्पक्ष है। और चंद्रचूड़ साहब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मैं तो उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ, देश की जनता को शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, कि उनके रहते हुए न्याय व्यवस्था कायम है। लेकिन अब छोटा सा आदमी जिला न्यायालय वाला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँचेगा। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा भाई साहब, कि फेक न्यूज़ का सरकार को राजनीति सत्ता की न करनी चाहिए, जनता के हित की राजनीति करे तो ज़्यादा बेहतर है। जनता तो अब जान तो चुकी है, 2024 तो हमें मुश्किल सा लग रहा, वो ऊपर से चाहे जो कहें कि मैं जीत जाऊंगा, राम मंदिर है, अरे राम मंदिर तो राम तो सभी के भाई पूजनीय है, तो उनके आड़ में अब सत्ता की राजनीति करें तो उचित नहीं है। और रही कि सत्ता की राजनीति राम के आड़ में, तो राम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, देर से रिजल्ट आता ही आता है, भगवान भी बच्चे को छोड़ देते हैं, खेलो खेलो, ज़्यादा बदमाशी करता है तो करते करता यही कहेंगे। देखिए, जनता सब जानती है, गौर कीजिएगा इनकी एक एक लाइन पर। चलिए और कहीं चलते हैं। हमारे संग सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं, क्या बोलेंगे, कैसा चल रहा है ये मुल्क। ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा जी, क्योंकि माननीय योगी जी जो है वो संत महात्मा हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं, 5 किलो राशन पर और किसान सम्मान निधि के नाम पर सारे लोग वोट दे रहे हैं,
स्कीम इनकी अच्छी है और अधिकारी भी लगाम हैं, हर जगह जो है भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कहीं ऑफिस में जाने के बाद कोई अधिकारी सुनता नहीं है बिना पैसे के। अरे यहाँ तो लोग कर रहे थे सब चीज, राम राज आ गया नहीं है, अभी तो हम परेशान हैं। रिकॉर्ड रूम देवरिया में जो है फर्जी हुआ है, एक बार हुआ था विपक्षी के ऊपर मुकदमा लागू हुआ था, रिकॉर्ड में जो है हेराफेरी किया था, FIR भी हो गया, हाईकोर्ट गया, फिर हाईकोर्ट से आया, फिर उसके बाद से जो है वहाँ जाने के बाद कोई सुनता ही नहीं है, फिर रिकॉर्ड रूम में, मतलब अधिकारी बेलगाम है, लगाम है, वो सुनते नहीं है। अच्छा चलिए, एक आज का जो मुद्दा है वो ये है, इनके एक नेता हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है, उन्होंने जनता को सलाह दी है कि ये जो फेक न्यूज होती है, झूठी खबरें, इससे सावधान रहें। नहीं, एक जो है BBC ने दिया था, देश का प्रधानमंत्री जो है विश्व में जितने भी लोग हैं सबसे अधिक जो है मैंने झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है। भैया क्या बात, ये देख लीजिए। अच्छा, तो हमारे पर भी FIR हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उन पर? देखिए, हम लोग फिर यहीं आते हैं, क्या कहेंगे ये मोदी जी, योगी जी से क्या आप खुश हैं? जब सभी लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। नहीं, ये तो मजबूरी की बात हो, ये बने अंतर्निहित बात है कि हम दुखित हैं, लेकिन उसका जो है हम खुलासा नहीं कर सकते, इसलिए कि खुलासा करने के बाद हम डर रहे हैं कि ये सरकार FIR करा देगी। देखिए ये है हालात, बहुत बुरे हालात हैं, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है। चलिए आज का मुद्दा यही था, सोचिएगा ज़रूर, फेक न्यूज़ से दूर रहिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फेक न्यूज नहीं दिखाता हूँ, नहीं मैं फेक न्यूज चाहूँगा कि आप देखिए और सुनिए। मैं BJP की तरह नहीं बोलूँगा, ये करूँगा कुछ और आपको आगाह भी करूँगा, फेक न्यूज़ से दूर रहिए, हमारी खबरों को रोज़ देखिए और लाइक कीजिए ज़रूर, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए मुद्दा यही था, कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।